हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं संजय मिश्रा उनका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आपको बता दें, लेखपाल की वैकेंसी नेक्स्ट वीक बिल्कुल कंफर्म है आना, जिसके लिए बिल्कुल आप देख चुके होंगे न्यूज़पेपर में रोज कुछ रहता है, बस नोटिफिकेशन रेडी है, वो आपका पब्लिश होना बाकी है जैसा कि न्यूज़ में आता है। और न्यूज़ में जैसा कि आपको मिलने रही खबरें देखने को, तो उसमें कहा गया लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएंगी। जीवन तो में मनुष्य दो। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग सभी लोग जुड़ जाएं यहाँ पर। UP SSC का जो आपका 2.0 बैच है हमारा, जो कि लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाके, और वहाँ पर इसे परचेज कर सकते हैं। आपको सिंपल सा कोड यूज़ करना है, Flat999 का कोड यूज़ करना है, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको बैच मिल जाएगा। जो बैच स्टार्ट होने वाला 14 अक्टूबर को 4 से 6 के बीच का टाइम होगा, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनको ये चीज़ें देखनी है, जिनको ये चीज़ें जाननी है, तो वो लोग जान सकते हैं यहाँ पर जुड़कर। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, जो आपके जुड़े हुए टॉपिकों से, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए सभी लोग और अपने बैच के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आते हैं हम लोग यहाँ पर और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो जल्दी से देखें कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यूपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाले वो भी देख सकते हैं आप। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी के। जल्दी बताएं, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जवाब देना शुरू करिए सभी लोग, और लाइक जरूर करना ना भूलिए। सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और आगे 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, अभी आप जल्दी से आ जाएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक सेशन को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, और सभी क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश भी करूंगा आपको। जल्दी से लो सभी प्लीज लोग आ डॉक्टर जाएं यहाँ प्लीज पर, प्लीज जल्दी से सब लोग आ जाएं, जुड़ जाएं जितने भी लोग जुड़े यहाँ पर हैं। आदित्य द्विवेदी सर बता रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। उनका कहना है ऑप्शन यहाँ पर होगा ए ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएं जितने भी लोग जुड़े हुए यहाँ पर होगा, 1974। आपको बता दूं, 1974 में लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पहली बार दिया गया था, और सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं और जल्दी से। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है इसके बारे में बताएंगे कहाँ पर किया गया। जल्दी दूसरे क्वेश्चन के बारे में जुड़ जाए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो देखिए, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोनों पुरस्कार सर्वोच्च है, एक पुरुष है एक महिला को दिया था, तो उपयुक्त में से दोनों दोनों आपके क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब उपयुक्त दोनों सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मान्यवर कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया था? जल्दी बताएं, कांशीराम खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया था? जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं इसमें, जितने लोग भी हैं, और सेशन को अपने शेयर करना जरूर न भूलिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, लाइक शेयर करना भूलिए। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपका यहाँ पर। और चलते हैं आगे, कांशीराम पुरस्कार किसे दिया था? तो आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे अच्छा पुरस्कार, जो प्रदेश के लोग खिलाड़ी हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनको दिया था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना नहीं होता, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया था, पहचान दिलाना लेकिन प्रदर्शन के लिए होता है, जिसमें आप मेडल जीत के आते हैं उस केस में आपको ये दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ पर बनाया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ बनाया था? तो देखिए, खेल का सामान बनता है मेरठ और आगरा दोनों बनता है। अगर गाजियाबाद वगैरह की बात आए तो यहाँ पे चीजें बनती हैं, आपके गारमेंट्स का काम होता है, टेक्सटाइल का, लखनऊ जरी जरदारी का काम होता है, टेक्सटाइल का, इलाहाबाद में आपका मूंज की चीजें बनती हैं, मूंज की चीजें यहाँ पे इलाहाबाद में होती थी। ये चीजें आपकी अलग अलग पूछी जाती है, हर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कल हमने करवाया था, आप उसमें जाके हमारा लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस वाला। तो ये यहाँ पे होगा मेरठ। चलते हैं आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी सर, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेलों का हॉकी। जल्दी से सेशन को शेयर कर दें सभी दोस्तों को अपने, जितने भी दोस्त आपके हैं, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दिएगा सेशन को, जिससे कि हम लोग यहाँ पर देख पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, हॉकी का जादूगर किसके किस नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताएं, हॉकी का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताएं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना था, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आगे आते हैं, सिक्स, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? देखिए, जो लोग भी कभी कभी राजधानी आए होंगे उनको पता होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, बिल्कुल हजरतगंज से जुड़ा हुआ आपका केडी सिंह बाबू, आपका गोमती नदी के पास केडी सिंह बाबू स्टेडियम है आपका, लखनऊ में है। ठीक है, ये हजरतगंज के पास ही है। आगे चलते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताएं, ग्रीन पार्क में पहले मैच हुआ करते थे, इसका संबंध किस चीज से? जल्दी बताएं, लक्ष्मी मैम, आदित्य, कुणाल, विकास सभी लोग आ जुड़ गए हैं, वेरी गुड। जल्दी से अपने सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग,
ठीक है, लखनऊ से अगला। ग्रीन पार्क स्टेडियम का संबंध किससे? क्रिकेट मैच बहुत होते हैं ग्रीन पार्क में, तो क्रिकेट से संबंध है। अभी तो रिसेंटली कुछ मैचेस नहीं हो रहे हैं वहां पर, तो क्रिकेट से संबंध है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से राज्य स्तर तक के प्रतियोगिताओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक का, जो स्टेट लेवल तक का जो का होता है खेल होते हैं, उसका आयोजन कौन सा डिपार्टमेंट करता, मतलब कौन सा विभाग करता? खेल मंत्रालय, खेल निदेशालय, युवा कल्याण, प्रादेशिक विकास दल, कौन करता है? इसके बारे में आपको बताना, तो जल्दी बताएं कौन करता है, जिनका कल एग्जाम उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा ये। खेल निदेशालय करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक का खेल का आयोजन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक का जो आपका प्रोसेस है, कौन कंडक्ट कराएगा? नया खेल मंत्रालय, खेल निदेशालय। खेल मंत्रालय जो होगा वो नेशनल लेवल तक ले जाता है आपको, ठीक है। अब श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, जो यूपी में ही दिया जाता है? श्रीमती वेल्दी एच फिशर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, जल्दी बताएं। और इसकी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये जो पुरस्कार है वो है साक्षरता से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? साक्षरता से संबंधित है। और इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2004 में। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सितंबर 2004 में, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। जल्दी से आते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। विकास कुमार सर 9 10। अब आके आते हैं 11वें नंबर में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता है? मतलब कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करता? देखिए, बहादुरी सम्मान देता है, बिल्कुल सही है, पुलिस पदक मिलता है, लेकिन पुलिस शौर्य पदक नहीं मिलता, ये वाला पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो पुलिस प्रदान नहीं करती। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं करती है। पुलिस पदक तो मिलते ही है, बहादुरी सम्मान भी मिलता है, लेकिन ये सम्मान पुलिस शौर्य पुरस्कार नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है बी ऑप्शन, इसमें से नहीं होगा, मतलब जो नहीं मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार दिया? जल्दी बताएं, डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया है? जल्दी बताएं, डॉक्टर धर्मवीर भारती विकास सर, जल्दी लोग, सभी लोग जल्दी से इसका ऑप्शन बताएं क्या होगा। सेशन को लाइक जरूर कर दें, देख बहुत लोग रहे हैं लेकिन लाइक कर नहीं कर रहे, तो लाइक जरूर बटन दबा दीजिए, लाइक का बटन जरूर आप लोग यहाँ पर दबाएं, लाइक करते रहिए सब लोग, ठीक है। अब आगे आते हैं, जल्दी पूछा गया यहाँ पर, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, 12वें का क्वेश्चन जो होगा ये पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म में दिया जाता है ये धर्मवीर भारती पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, यूपी गवर्नमेंट जो इसको प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन से अकादमी अपने विविध गतिविधियों में विद्वानों और कलाकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने का कार्य करती है? कौन सी अकादमी है जो विद्वानों और कलाकारों को पुरस्कार देती है? कौन सी अकादमी है? देखिए, उर्दू अकादमी भी विद्वानों को अपने उर्दू क्षेत्र में देती है, ललित कला अकादमी जो फाइन आर्ट्स के जो होते हैं, संगीत नाटक अकादमी, इसमें भी देती है। मतलब सभी अकादमियां अपने सभी ये जो पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान देती है, इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी अकादमियां अपने विद्वानों कलाकारों को पुरस्कृत और सम्मानित करती रहती है, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन सी है? उर्दू, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, सभी आपके पुरस्कार देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो क्लास टाइम आपका है, जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, उस बैच का टाइम आपका आ जाएगा, जल्दी अभी दिखा दूंगा क्या होगा। हाँ, उससे भी लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा सारा चीज, तब तक देख लेते हैं। यश भारती सम्मान के अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता है? यश भारती सम्मान के अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता, जल्दी पूछा गया है। तो देखिए, क्या नहीं दिया जाता? उपहार सामग्री नहीं दी जाती। क्या दिया जाता? शॉल दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, 5 लाख रुपए दिया जाता है। तो आप जान सको यश भारती में क्या मिलता है? शॉल मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं, और क्या नहीं मिलता? उपहार सामग्री नहीं मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या नहीं मिलता? नहीं वाले ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है इस पर, क्या मिलता है? मिलता क्या? शॉल मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलेगा, 5 लाख रुपए नगद राशि मिलेगी, और ये नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला, भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ये उत्तर प्रदेश के किस नागरिक को दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस इंसान को मिला हुआ है पुरस्कार, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो आप जानते होंगे जो शहनाई वादक थे बनारस के रहने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खान, जो शहनाई वादक थे, बहुत बड़े शहनाई वादक, उनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार। जो शहनाई वादक थे ये बिस्मिल्ला खान जी को दिया गया है, ठीक है, बनारस के रहने वाले थे ये। अगला, कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? कल्याण नामक पत्रिका जो बनती है उत्तर प्रदेश में, जो प्रकाशित होती है, किस शहर से होती है? क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताया, किस शहर से होती है कल्याण नामक पत्रिका जो है, किस शहर से होती है? क्वेश्चन पूछा गया, 16 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कल्याण पत्रिका जो है वो गोरखपुर से निकलती है। जैसे आप देखें गीता प्रेस भी कहाँ है? गीता प्रेस भी गोरखपुर में है, जहां पे आप देखेंगे गीता प्रेस भी गोरखपुर में ही है, ठीक है।
आगे युग निर्माण योजना नामक पत्रिका जो है का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है? युग निर्माण पत्रिका योजना जो पत्रिका है किस शहर से होता है, जल्दी बताएं। युग निर्माण पत्रिका जो होती है वो किस शहर से हुआ है, तो इसमें सिंपल बताएंगे ये होगा मथुरा से। कहाँ होगा? मथुरा। युग निर्माण पत्रिका जो है मथुरा से प्रकाशित होती है, इसमें जानते रहेगा। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्र का संपादन और प्रकाशन नहीं किया? तो आप देखिए तीन चीजें आप जान जाएंगे किन किन का किया था। देखिए नव ज्योति का उन्होंने किया था, सॉरी डिडेट, नव ज्योति का बताएंगे 18। क्या किसका नहीं किया था? देखिए हरिश्चंद्र का किया था, बाल बोधनी का किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन का किया था, दो नाम से बाल बोधनी। नव ज्योति का उन्होंने नहीं किया था, मतलब ये उन्होंने नहीं किया था, मतलब नहीं वाले ज्यादा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम चीजें आपको जाननी है, कम से कम चीजें नहीं जाननी है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मूला है हमने कोशिश की मैक्सिमम आपको डेटा मिल सके जिससे कि आपसे कभी एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप तीन चीजें जानते रहे वहां पर। तो इनके बारे में तीन चीजों का इन्होंने प्रकाशन किया, हरिश्चंद्र का किया, बाल बोधनी का और हरिश्चंद्र मैगजीन का। किसका नहीं किया? नव ज्योति का इन्होंने प्रकाशन नहीं किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी नहीं लिखी, मतलब जैसे हर चीज में देखिए नहीं, मतलब तीन चीजें आपको पता चल जाएंगी जो उन्होंने लिखी है। तो कौन सी नहीं लिखी है? तो देखिए साकेत लिखी है, यशोधरा लिखी है, भारत भारती लिखा है, मेरा बचपन उन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? मेरा बचपन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मेरा बचपन उन्होंने नहीं लिखा। तो मेरा बचपन मैथिली शरण गुप्ता द्वारा नहीं लिखी गई है, ये उसका आंसर होगा। पूछा कि निम्न में से महादेवी रचना नहीं, महादेवी देखो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो देखो जो चीजें हैं वो है वाली बताएंगे आपको। है कौन कौन सी देखिए जरा, आपकी स्मृति की रेखा है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, मेरा परिवार भी उन्हीं का है, यामा भी उन्हीं की लिखी हुई है, ये सब यूपी से रिलेटेड है, इसलिए यूपी में आपके जो सांस्कृतिक क्वेश्चन आएंगे अगर कल्चर आर्ट और कल्चर से, तो ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो उर्वशी इन्होंने नहीं लिखी है महादेवी वर्मा जी ने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उर्वशी, उर्वशी इनकी रचना नहीं है। 21 पे आते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का साहित्यकार नहीं है, कौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है? देखिए हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिताजी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, देवकीनंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता लिखा था, आपने देखा होगा संडे को बहुत अच्छा आता था, क्रूर सिंह जैसे रोग उसमें थे। तो ये यश पाल जो है वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो यश पाल जो है वो यूपी के रहने वाले नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा यश पाल, यश पाल जो है यूपी के रहने वाले नहीं थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, मतलब तो कौन कौन सी रचना, ये जानना है आपको। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है आप जानते ही होंगे, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बहुत अच्छे से आप लोग इससे परिचित हैं, कामायनी, कंकाल जयशंकर प्रसाद की, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की, जो नहीं मधुयामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी? मधुयामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बिल्कुल सही जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये मधुयामिनी इनकी नहीं होगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो मधुयामिनी इसका आंसर हो जाएगा जो इसके नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्रेमचंद ने क्या लिखा था? देखिए इनसे इनके बारे में भी आपको अगर बताना पड़े तो मुझे मुश्किल लगता है कि आप आर्ट में क्या है। देखिए गोदान इन्होंने लिखा, गबन इन्होंने लिखा, नमक का दरोगा इन्होंने लिखा, सेवा सदन इन्होंने लिखा, प्रेम सागर इनकी रचना नहीं है, प्रेम सागर इनकी रचना बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम सागर इनकी रचना नहीं है। साखी सबल रमैनी ये रचना के लेखक कौन है? साखी सबल रमैनी रचना के लेखक कौन? देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रैदास, संत कबीर। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रैदास, संत कबीर, तो कबीर जी ने लिखा था साखी सबद और रमैनी जो है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जान दिए, 24 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है 24 का डी आंसर। 25 पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो बहुत लोगों ने कानपुर करके गलत कर दिया जबकि वो उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो इसलिए गलती मत करिएगा कभी भी। तो इसका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यूपी का जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में वनों के विकास एवं गाँव एवं शहरों में वृक्षारोपण के अलावा रोपित वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपको पूछा गया कौन सी योजना, मतलब गाँव में वृक्षित रोपित को बचाने के लिए, तो कौन सी योजना शुरू की गई? तो आपको बता दें ऑपरेशन ग्रीन राज्य शुरू की गई है, ऑपरेशन ग्रीन स्टेट कह सकते हैं इसको, ये शुरू किया गया है ऑपरेशन ग्रीन स्टेट, ग्रीन राज। आगे चलते हैं, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पूछा गया सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये कहां पर है? तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिए, बहुत रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रयागराज में है ये क्वेश्चन आने के, बिल्कुल उम्मीद है इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सुनने में अजीब लगे वो जरूर आते हैं। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस पर।
28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्र स्थित है? पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्र स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। तो इसका पर्यावरण प्रभाव आकलन है, देखिए पारिस्थितिकी तो था इलाहाबाद में, लेकिन पर्यावरण की बात है तो कहाँ होगा ये? लखनऊ में होगा। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में है ये, बिल्कुल सही जवाब, लखनऊ में होगा बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। राजीव गांधी आप जानते हैं, दो ही शहर ऐसे हैं, रायबरेली और अमेठी, जहां से ये लोग जुड़े हुए हैं, वहीं पर जो भी कुछ किया है तो वहीं पर है। तो ये आपका सिंपल सा सीधा सा आंसर राजीव गांधी वर्ड आते ही, जैसे आपका फ्लाइंग स्कूल है वहीं पर है, तो रायबरेली में ये सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा रायबरेली, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कार्यरत है? अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कार्यरत है? तो जल्दी बताएं, काशी विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू बोलते हैं आप लोग, यहां पर आपका ये पाया जाता है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये आपकी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, यहां पर ये है अल्टरनेट पावर का वो बताया गया है, ट्रिपल का, सॉरी इसको देखेंगे, एक मिनट, 30 का आपका यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे जो आंसर होगा, एक मिनट के गलत हो गया, तो ये आपका होगा आंसर होगा रुड़की, रुड़की में किया गया, रुड़की विश्वविद्यालय में ये चीज रखी गई, अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर जो है आपका आपका रखा गया है, रुड़की आपका है, जो आईआईटी रुड़की बोलते हैं, रुड़की विश्वविद्यालय। चलिए, वैकल्पिक ऊर्जा शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैकल्पिक ऊर्जा एवं शोध केंद्र कहाँ पर है? तो क्वेश्चन पूछा गया 31 का क्या होगा, तो वैकल्पिक ऊर्जा ये कि चिनहट लखनऊ में है ये, और आपका जो था अल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च सेंटर, ये आपका चिन्हट लखनऊ में। निम्न में से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? जल्दी बताएं, बेतवा नदी पर ये परियोजना है, तो कौन सी नदी, कौन सा परियोजना होगी? राजघाट, कभी कभी माता टीला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, माता टीला प्रोजेक्ट जो इसके कंबाइंड में आता, तो राजघाट परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट वेंचर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, जल्दी से जुड़ेंगे इसमें आगे सभी लोग, बीएचयू में नहीं है या उसमें गलती से हो गया, तो आपका राजघाट परियोजना है ये। नरोरा परिमाण शक्ति केंद्र परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? नरोरा जो पूछा गया है, नरोरा जो आपका है परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? नरोरा कहाँ पर है आप जानते हैं, बुलंदशहर में है ये, नरोरा कहाँ पे होगा? बुलंदशहर में है, तो आपका सिंपल जाने नरोरा आपका बुलंदशहर, परमाणु एक ही परमाणु शक्ति केंद्र है यूपी में, बुलंदशहर में दो इंस्टीट्यूट है, 1991 और 1992 में ये लगाए गए थे, नरोरा बुलंदशहर बिल्कुल नोएडा के पास में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ओबरा आप जानते ही हैं, सोनभद्र में है, जहां सबसे अधिक एसटी है, एसटी शेड्यूल ट्राइब है आपका, जानते हैं जनजातियां सबसे ज्यादा रहती हैं जहां पर, 34 नंबर में आपका होगा बी सोनभद्र होगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, ओबरा ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए अगर सोनभद्र की बात कर रहे हैं, तो सोनभद्र के पास सबसे कौन सा है? सिंगरौली, सिंगरौली से कोयला आता है, सबसे करीब में है सिंगरौली, यहीं से इसको कोयला प्राप्त होता है, अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें सिंगरौली से कोयला प्राप्त होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंध रखती थी? आप अगर इसको जानते होंगे तो बिल्कुल उल्टा आपका क्वेश्चन पड़ जाएगा, लोग झांसी की तरफ टिक करेंगे, लेकिन झांसी में ये नहीं है, झांसी में ना होने वाला, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मुजफ्फरनगर में है ये, कहां पर है? मुजफ्फरनगर में है, शामली के पास वहां पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बताया गया है, अगले उस पर आएंगे, 37 पर पूछा गया क्या, रिहंद बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब रिहंद बांध परियोजना उसके बारे में कौन सी बात उसमें गलत लिखी है? तो पूछा गया यह परियोजना मिर्जापुर जिले के पिपरी नामक स्थान पर है, बिल्कुल सही क्वेश्चन इसमें बताया गया, बिल्कुल सही है, पिपरी नामक स्थान पर है, और इस परियोजना में 50,000 किलोवाट की विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयां लगी हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। रेणुकूट में स्थापित एल्युमिनियम संयंत्र को इसी परियोजना पे विद्युत परियोजना विद्युत सप्लाई होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात गलत है, जर्मनी के सहयोग से इसे पूरा नहीं किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही हो जाएंगे। तो इसमें आंसर कौन सा टिक करना? आपका डी ऑप्शन, जो इसमें असत्य है, क्वेश्चन क्या पूछा गया असत्य कौन सा, तो असत्य होगा डी ऑप्शन। शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपको बता दें शारदा परियोजना वन बासा पीलीभीत में है, जहां से गोमती नदी निकलती फुलहर लेक, यहीं पर है गोमती नदी का उद्गम, जिसे गोमल देख कहते हैं, तो ये आपका है वन बासा पीलीभीत में शारदा जल विद्युत परियोजना का उद्गम स्थान यहीं पर है।
चलिए आगे चलते हैं 39 में। किस देश की सहायता से 1968 में हरदुआगंज में एक नवीन ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई? तो जल्दी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हुआ है? तो देखिए उस समय हमारा संयुक्त सोवियत संघ हुआ करता था, अमेरिका से उतना हमारा लोगों का कंट्रोल नहीं था, सोवियत संघ से हमारी अच्छी दोस्ती थी इंदिरा गांधी जी के समय में, तो सोवियत संघ ने मदद की थी हमारी, तो सोवियत संघ इसका होगा राइट आंसर। तो जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कुछ नहीं, सोवियत संघ मतलब रशिया के लोग ही वहां पर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है? देखिए सबसे बड़ी यूपी के सबसे परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी? देखिए गंगा परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, शारदा जल विद्युत परियोजना जो सबसे लंबी नहर भी है ये हमारी, रिहंद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कहने के लिए ऑल ऑफ द अबव होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है सही परियोजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पता चल गया कि यूपी में कौन कौन सी परियोजना है ये भी आप जान चुके, और आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को इससे पहले किस नाम से जानते थे? देखिए अवध प्रांत से नहीं जानते थे, आर्य प्रदेश भी नहीं जानते, उत्तरी नहीं जानते थे। नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, जिसका नाम अभी कहते 24 जनवरी को ये बदला गया नाम, तो ये 24 जनवरी को हम यूपी डे मनाते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश दिवस, तो ये आपका यूनाइटेड प्रोविंस नाम था यूपी का पहले, इसका पहले नाम सबसे पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत कह सकते हैं इसको हिंदी में, कभी कोई लिख के आता संयुक्त प्रांत लिख के आता है। ठीक है, आगे। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आपके जनरल से पूछ लिया जाएगा यूपी विशेषांग में, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मेरठ से, जो शुरुआत हुआ था मेरठ कैंट से होता, अभी देखिए मेरठ न्यूज में आया है, वेटनरी मतलब कि जो पशुओं के स्मारक, युद्ध में जो पशु थे सेना के जो पशु हैं उनके लिए स्मारक, शहीद पशुओं के स्मारक स्थल बनाया गया, वो किस शहर में बनाया गया? तो मेरठ कैंट में बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पशुओं के लिए शहीद स्मारक केंद्र कहाँ बनाया गया? तो मेरठ में ही बनाया गया है। ठीक है, जो सेना में कुत्ते होते हैं या उनसे जो घोड़े होते हैं या उनके साथ जो काम करते हैं ये इनका एक जो एक स्मारक जो है, जो जवान शहीद होते हैं उनका बनता ही है, लेकिन जो ये जीव होते हैं जो ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं तो इनका भी एक स्मारक केंद्र बनाया गया, वेटनरी किट कोर ने बनाया है जो जानवरों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और स्थित शिलालेख किस काल का है? मतलब अयोध्या में जो शिलालेख है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अयोध्या बहुत ज्यादा अभी लाइमलाइट में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या जो है वो किस शिलालेख किस काल में है, पूछा गया उत्तर प्रदेश का में अयोध्या का शिलालेख किस काल का बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अयोध्या के नाम पे ही, तो आपका शुंग काल का है वो, किस काल का जो शिलालेख है वो किस काल का है? शुंग काल का है, शुंग डायनेस्टी का है ये। ठीक है, अब पूछते उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? मतलब पूछा गया मथुरा में किसका स्तंभ लेख है, बहुत सारे रॉक एडिक्ट है वहां पर, तो किसका रॉक एडिक्ट है वहां पर कौन सा होगा? तो अशोक का रॉक एडिक्ट है यहाँ पर, अशोक का रॉक मतलब किस स्तंभ लेख, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी पहले स्तंभ लेख लिखने की, तो चांसेस होते हैं अशोक के। ठीक है, तो आगे आते हैं प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, कहाँ पर है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पर होगा ये? तो देखिए जरा इसमें जाके 45 का ए, देवगढ़ में है दशावतार मंदिर, तो कहाँ है? देवगढ़ में। ठीक है, ये मंदिर है आपका देवगढ़ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसे मिलता जुलता है? कौन सा लोक नृत्य है गुजरात के डांडिया जैसे मिलता जुलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात के डांडिया से मिलता जुलता कौन सा नृत्य है? तो गुजरात के डांडिया से मिलता पाई डंडा, देखिए डंडे से खेला जाता डांडिया, तो डंडे से पाई डंडा जो है आपका गुजरात से मिलता हुआ डांस है। ठीक है, पाई डंडा नाम होगा इसका, पाई डंडा, क्लियर। अब आते हैं 47 पे। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? किस जात में होता है छोलिया नृत्य जो होता है, किस जात में प्रचलित है, क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताएं ये कौन सी जात वाले करते हैं ज्यादा ज्यादा? तो इसमें आंसर आपका होगा राजपूत लोग ये ज्यादा डांस करते हैं। कौन से जात के लोग करते हैं? तो राजपूत लोग ज्यादा करते हैं इसको। ठीक है, राजपूत यहाँ आंसर होगा, राजपूत ये आंसर आ जाएगा इसका, राजपूत लोग इसको ज्यादा सा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? देखिए एक उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ मिलता है? ललितपुर में। ललितपुर में क्या और क्या मिलता है? यूरेनियम एकमात्र जिले में अगर कहीं मिलता तो कौन सा इसमें मिलता? यूरेनियम और तांबा कहाँ मिलेगा? ललितपुर में मिलेगा। तो ललितपुर हो जाएगा इसका आंसर आपका 48 का डी ऑप्शन। 49 में उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? 49 का ए, बांदा मिलता है, बताते बांदा में रॉक फॉस्फेट मिलता है, बांदा में और क्या मिलता है? बांदा में ही हीरा मिलता है, डायमंड। डायमंड भी कहां मिलता है यूपी में? कहां मिलेगा? डायमंड मिलेगा बांदा में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। 50 नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले
तो आप बता दें नॉन प्लास्टिक फायर के लिए जो मिलता है सबसे ज्यादा मिर्जापुर में मिलता है, तो नॉन प्लास्टिक फायर के लिए कहां पर है, मिर्जापुर में है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन मुझे कराने थे आपसे साथ, बिल्कुल। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्पल में। कल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं, और भी बहुत सारी मैंने यूपी की स्पेशल करवा रखी है। कल मैंने ओडीओपी के ऊपर भी आपको एक लेक्चर दिया था, ओडीओपी भी हो चुका है, ट्राइब्स के ऊपर भी मैंने लेक्चर करवा दिए हैं आपको, मैक्सिमम आपके यूपी स्पेशल के मैक्सिमम लेक्चर मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जुड़ते रहे, पुराने वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग जाके, इसमें प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आज के लिए इतना काफी था। हाँ, दिल्ली पुलिस का बैच कब आ रहा है, देखिए दिल्ली पुलिस का बैच 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो दिल्ली पुलिस का बैच है पुराना, नया बैच अभी 3.0 नहीं आ चुका, दो बैच ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, 1.0 2.0 जो दो बैच चल रहे हैं वो 14 सितंबर से ऑलरेडी रनिंग है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 900 समथिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा। 12 से 2 का टाइम है इसका, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का टाइम है इसका, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग देर से जुड़े हैं वो लोग देख सकते हैं जाके प्रीवियस में लेक्चर देख देख सकते हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं पूरा पूरा लेक्चर देख सकते हैं। 50 मिनट की बात की थी मैंने, 50 मिनट में आपको 60 मैंने क्वेश्चन, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करवा दिए, तो 30 मिनट 50 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कल के लिए ऑल द बेस्ट, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दें और कभी भी पैनिक ना करें और पेपर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज अच्छे से मन लगा के सोएं, कम से कम 8 घंटे जरूर सोइएगा और फ्रेश माइंड से जाइए, सबके दिमाग में हॉटस्पॉट चल रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, कौन कैसे होगा, सब कुछ आपका अच्छा होगा। थैंक यू गाइज।